को बांध। जी हाँ, हमारे आसपास क्षेत्र के अधिकतर लोगों को इस बांध के बारे में पता ही होगा। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा भी होगा, पर जो मेरे बाहर के व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं आज यह दिखाने आया हूँ। और कुछ बातें आप लोगों को भी नहीं पता होगा तो मैं आज यह बताने वाला हूँ, तो बने रहे व्लॉग में एंड तक। जी हाँ, मेरा नाम है नीलेश धुबल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश व्लॉग पे। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से पहुँचे। दोस्तों, तो देख सकते हैं, जी हाँ, यह है सिरको बांध। यह सिरको बांध जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ राज्य के तहसील पिथौरा थाना बसना के अंतर्गत पोस्ट सिरको में आता है। दोस्तों, अगर हम सिरको बांध की बात करें तो यह 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है यह, और बरसात के मौसम में इस बांध का जो नज़ारा है वो काफ़ी देखने लायक हो जाता है। तो दोस्तों, अभी ना यहाँ पे मछली पकड़ रहे थे, एक गांव के ही दादा हैं, तो उनसे जानते हैं जो यह बांध है ये लगभग कितने साल पुराना है। तो आपका नाम क्या, तुम्हारा क्या नाम है जी? रमेश। रमेश नाम है इनका। और जो यह बांध है, सिरको बांध है, हरे कितना साल पुराना हुई है? 60 लगभग बोल सकते हैं ये 60 साल, क्योंकि इनको भी पता नहीं एग्जैक्टली कि ये कितना साल पुराना हो सकता है बांध, तो लगभग अनुमान से बोल सकते हैं 60 साल यह बांध पुराना है। तो तुमन कौन गाँव सर हो? सिरको। हाँ दोस्तों, ये जो हाल ही में पास ही में एक गांव सिरको, उसी के मतलब नाम पे इस बांध को सिरको बांध कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कतक मछली पकड़ रहे हो? अभी 2-4 तो पकड़े हमने। तो यहाँ के ग्रामवासियों का एक फ़ायदा भी रहता है, खासकर बरसात के मौसम में यहाँ पे मछली पकड़ने का, जो देख रहे हैं अभी दादा मछली पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जो पीछे यह पहाड़ दिख रहा है, जी हाँ, इसको बोलते हैं सिरको डूंगर, डूंगर मीन पहाड़। तो जो मैंने बताया कि यहाँ पे पास में ये गांव है सिरको, जिसके मतलब जिसके नाम पर यह बांध को सिरको बांध कहा जाता है, और ये जो पहाड़ है इसको भी सिरको डूंगर कहा जाता है, मतलब पहाड़। इस बांध की अगर हम इधर की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे खेत देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक नहर आपको देखने को मिलेगा, और इधर आसपास पूरे खेती खेत आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, हम लोग बांध के शुरू से लेकर अभी अंतिम छोर की ओर आ चुके हैं। जी हाँ, हम लोग ये इसके अंतिम छोर की ओर आए गए हैं, और यहाँ तक की जो कुल दूरी होगी लगभग 1 किलोमीटर हो ही जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, कहा जाता है बारिश के समय में पूरा जो पानी है बांध का पूरा इसके ना पार हो जाता है। फिलहाल तो मैं अभी देखा नहीं हूँ क्योंकि मैं आता नहीं हूँ, तो वो जो दृश्य है वो देखने लायक रहेगा। बहुत ही प्यारा सा बांध, जी हाँ, हमारे बसना के आसपास का यह प्यारा सा नज़ारा है। और इधर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे घास वगैरह हैं, तो यहाँ पे गाय बैल यहाँ पे विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ना उस छोर से मतलब दिख नहीं रहा होगा, वो पहाड़ से दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, और बहुत ही प्यारा सा यहाँ का नज़ारा है, और यहाँ का जो मतलब फीलिंग है ना, आपको बता ही नहीं सकता कितनी प्यारी फीलिंग है, और जो वेदर है बहुत ही प्यारा है। तो मैं आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स के साथ दिखाता हूँ हमारा गाँव के पास का यह बांध, सिरको बांध का नज़ारा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी मछली पकड़ रहे हैं, जैसे कि बताया कि बारिश का सीज़न है, यहाँ पे सभी मछलियाँ पकड़ रहे हैं।
तो मैं इनसे अपने जी हाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में इनसे पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो लोकल बोली है यहाँ की इस गांव की वो छत्तीसगढ़ी, तो पूछते हैं इनसे बारे में। तो राम राम जी। राम राम। तुम्हारा क्या नाम है? मधुसूदन। जो हमारे सिरको बांध के बारे में कुछ और बताओ कुछ खास। नया साल में बहुत पिकनिक वगैरह आते हैं। अच्छा। और बहुत मछली निकालते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे मुझे एक्चुअली सब पता है, बट मैं सब लोगों से जानना चाहता हूँ, यहाँ पे ना नया साल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, हमारे जो ग्रामीण अंचल के आसपास के जितने भी लोकल हैं सब यहाँ पे अपना मतलब पिकनिक सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे मछली पालन भी किया जाता है, और अभी बारिश का सीज़न है तो सभी लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम सब की सब यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ के बांध के बारे में जितना जानता था मैंने बता दिया, और यहाँ के लोगों को मैंने एक्चुअली पूछने की कोशिश की, बट यहाँ के लोग थोड़ा सा ना घबराते हैं कैमरे पे आने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे गाँव के आसपास के जितने भी खूबसूरत नज़ारे होंगे, मतलब यहाँ के आसपास की जो भी दिखाने लायक होगा मैं आपको दिखाते रहूँगा। तब तक मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही। तो ये जो पूरे प्लेस दिख रहे हैं आपको, जी हाँ यहीं पिकनिक मनाया जाता है। अब नया साल के दिन आपको यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं देखने को मिलेगा, और ये वाले पार्ट में भी आपको देखिए पूरा जो यहाँ पूरा पिकनिक मनाया जाता है यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ होता है नए साल के दिन, और बीच बीच में कुछ खास अवसर पर भी आते रहते हैं लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गया, जी हाँ यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट के लिए भी आया करते हैं। जी हाँ यहाँ के लोकेशन काफ़ी प्यारा है, तो यहाँ पे लोग ना फ़ोटोशूट के लिए भी आया करते हैं।